मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। खबर ये है कि सीरियल में इंस्पेक्टर की भूमिका निभाने वाले एक्टर कमलेश पांडे ने खुदकुशी कर ली है। वो जबलपुर से संजीवनी नगर अपनी साली के घर आए थे, वहीं उन्होंने खुद को गोली मार ली। अभी खुदकुशी की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। कमलेश कटनी के रहने वाले थे। सीरियल क्राइम पेट्रोल में वो पुलिस के अलावा और भी कई रोल निभा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कमलेश अपनी साली के घर रात 11 बजे पहुंचे थे। घर पर उनकी साली अंजनी चतुर्वेदी मौजूद थी। अंजनी की बेटियों ने कमलेश के घर पर रहकर ही पढ़ाई पूरी की है और अभी कुछ दिन पहले ही अंजनी ने अपनी बड़ी बेटी नेहा की शादी की थी। इसमें उन्होंने कमलेश को नहीं बुलाया था। कमलेश अंजनी के घर नशे की हालत में पहुंचे थे। शादी में ना बुलाने की वजह से नाराज कमलेश ने जमकर हंगामा किया। रात करीब 1:30 बजे कमलेश ने रिवॉल्वर निकाली और एक हवाई फायरिंग करने के बाद खुद के सीने में गोली मार ली। परिवार के लोग ये देखकर घबरा गए और तुरंत आनन फानन में कमलेश को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमलेश के घर में उनकी पत्नी, एक 15 साल की बेटी और एक 12 साल का बेटा है, जो कि कटनी में ही रहते हैं। आपको बता दें कि कमलेश क्राइम पेट्रोल ये हैं मोहब्बतें, काला टीका, तश्ने इश्क, दिया और बाती और जमाई राजा जैसे सीरियल्स में काम कर चुके हैं। तो ये थी एक बड़ी खबर टीवी जगत के कलाकार कमलेश पांडे की खुदकुशी से जुड़ी हुई। इसी खबर के साथ वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर बस इतना ही।